देखिए शुगर जो है कि लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस होता है इसके चार ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हार्ट पर असर पड़ता है, ब्रेन पे, आँख पर, आँख की रोशनी पे खासकर रेटिना पे, और किडनीज पे। तो ये चार इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुगर को पेशेंट में आप अक्सर आप देखिएगा कि बहुत लोग साइलेंटली डेथ हो जाता है, सडन अटैक हो जाता है। तो पूछते हैं हम लोग पहला सवाल, डायबिटिक था क्या? तो डायबिटिक पेशेंट्स में कोरोनरी ब्लॉकेट हो रहा है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेट हो रहा है, पेशेंट का जो वार्निंग सिग्नल्स निकल रहा है, डेंजर सिग्नल्स, पेन, पसीना, वो नस पर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो गई, नस पे चीनी चढ़ गया, तो इसकी वजह से उसको सिग्नल नहीं मिल रहा और उसके अंदर हार्ट डैमेज होता चला जा रहा, उसको पता नहीं हो रहा, उसकी रोशनी घटते जा रही है या उसको फ्लोट, उसको आँख में कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आजकल क्या बोलते हैं कि नहीं, एवरी सिक्स मंथ्स तुम अपने आँख के डॉक्टर से उसको हम लोग फंडोस्कोपी करा के आँख दिखवाते हैं हर डायबिटिक पेशेंट को। किडनी का हम लोग हर 6 महीने पे रिव्यू कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट में सिंपल ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन नहीं, उसके अलावा भी कुछ टेस्ट है जो माइक्रो टेस्ट है कि किडनी अगर अर्लीएस्ट स्टेज में पकड़ लिया है डायबिटीज़ से तो यूरिन में वो उसके उसका उसका कुछ आना शुरू हो जाता है। यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो हम लोग करा के USCR करके पता पकड़ लेते हैं कि किडनी डैमेज होना शुरू हुआ है कि नहीं, या आजकल सिस्टैटिन सी टेस्ट है वो बहुत पहले बता देता है कि किडनी डैमेज हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये और कभी भी मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, डायबिटीज़ अकेला नहीं आता, साथ में या तो कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा या ब्लड प्रेशर भी रहेगा या और भी कई कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं साथ में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हाई बीपी भी रह रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा है, तो और रिस्क फैक्टर डबल होता गया, क्वांटिफाई बढ़ता जाएगा और उसमें ब्रेन में बाद में स्ट्रोक हो सकता है, CVA हो जाएगा, स्ट्रोक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। इसीलिए शुगर को कंट्रोल करके हम लोग रखना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ऐसा सांप है जो आपके अंदर वो आपको फन काट के खड़ा है, वो आपको काटना ही काटना है। खासकर ये चार और ऑर्गनों पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट और किडनी और आईज और ब्रेन को पकड़ना ही, बाकी तो स्किन और बोन। डायबिटीज़ कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भी अवयव को पकड़ सकता है, लेकिन इन चारों को सबसे ज़्यादा पकड़ता है। इसलिए डायबिटीज़ में हम लोग का मशवरा ये होता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो, आइदर ये बाई फिजिकल एक्टिविटी, बाय डाइट, बाय ड्रग्स, बाय इंसुलिन, लेकिन कंट्रोल रखो, अदरवाइज तुम खोखला हो रहे हो अंदर अंदर, तुम्हारे हाथ के अंदर ब्लॉकेट हो रहा है, तुम्हारा किडनी बैठ रहा है, तुम्हारे आँख की रोशनी जा रही है, तुमको स्ट्रोक कभी भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ को बिल्कुल लोगों को समझाना चाहिए, उनको 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 बार बार ये बताना चाहिए कि डायबिटीज़ बहुत डेंजरस है, उसको कंट्रोल करके रखो। हाँ डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शक पूछते हैं जो डायबिटिक पेशेंट अमूमन 6 महीने पे कौन सा टेस्ट करवा ले, जैसे आपने बताया किडनी की, किडनी का, आँख का, तो कौन सा टेस्ट वो करवा ले ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हाँ, इसमें कई प्रोफाइल होते हैं डायबिटिक प्रोफाइल में, जैसे हम लोग बेसिकली पहले शुगर तो कराते ही रहते हैं हम लोग, उसके अलावा साथ में कोलेस्ट्रॉल जरूर, लिपिड प्रोफाइल, एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल कराते हैं आजकल। जैसे उसमें इंडियंस में कोई खासकर कुछ खा लो, कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ होता है, LDL, LPA बढ़ा हुआ होता है, LPA ये खास इंडियंस में ज़्यादा होता है, बाकी HDL लो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लो होता है। तो एवरी सिक्स मंथ हम लोग लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएंगे। डायबिटीज़ की वजह से किडनी पर असर पड़ा तो RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट से पूरा हम लोग वो पता चल जाता है कि हम लोग किडनी पर कितना किडनी पर असर पड़ा है कि नहीं। ECG कराते हैं एवरी सिक्स मंथ, तो ECG में तो 50% केस में ही ब्लॉकेट पकड़ाता है, हम सारे में तो होगा नहीं, लेकिन रूटीनली कराते रहने से क्लिनिशियन समझता है कि नहीं इसको चेस्ट पेन हुआ या कोई और सिम्टम आया, तो ECG से नहीं पता चला तो हम TMT करा के देखेंगे, इको कराएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ भेजेंगे, और यूरिन का टेस्ट हम लोग कराते रहते हैं, इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसलिए मोटा मोटी सिक्स मंथ्स पे होल बॉडी प्रोफाइल का टेस्ट डायबिटीज़ में ज़रूरी है, खासकर 3-4 चीज़ पे ज़रूरी है, ECG, किडनी फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, और उसके अलावा यूरिक एसिड भी आजकल नया रिस्क फैक्टर्स आ गया है, यूरिक एसिड का भी टेस्ट बराबर डायबिटीज़ के साथ कराना चाहिए।